वेलकम टू द चैनल एवरीवन। और जैसा कि तुम्हें पता है, हाल ही में एपेक्स लेजेंड मोबाइल की टीम ने एक ट्वीट किया है कि अब तुम रैंक मैच में भी लेजेंड पर को यूज कर सकते हो। हाँ, ये सही है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम मोड के लिए होगा, जो कि है जुलाई 22 से लेकर 24 तक, जिसमें तुम अपने रैंक मैचेज में नॉर्मल बीआर वाले जो भी पर्क यूज करते थे लेजेंड्स के, उसको तुम यूज कर सकते हो रैंक मैचेज में भी। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि तुम्हें पहले ही मालूम है कि नॉर्मल बीआर में पर्क कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे पर्क्स के बारे में बताऊँगा जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी रैंक मैचेज में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले पर्क को इनेबल करने के लिए तुम किसी भी लेजेंड्स पे जाओगे। उसके बाद उसके डिटेल्स पे जाने के बाद यहाँ पे तुम्हें लोड आउट के अंदर तीन ऑप्शन दिखती है पर्क सिलेक्शन के लिए, और हर एक तीन ऑप्शन के अंदर भी तुम्हें तीन कैटेगरीज मिलेगी, तो यहाँ से तुम सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ पर्क्स ऐसी है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है हर एक लेजेंड्स में, एक दो को छोड़ के बाकी सारे लेजेंड्स में वो अवेलेबल ही होती है। तो पहला है बैटल अडेप्टेशन। ये पर्क को यूज करके तुम अपनी ईवो शील्ड की 100 पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हो अगर तुम फिनिशर देते हो किसी लेजेंड को। तो अगर तुम्हें अपनी ईवो शील्ड को बहुत जल्दी इवॉल्व करनी है तो तुम इस पर्क को यूज कर सकते हो। और दूसरी पर्क है टैक्टिकल एडवांटेज। इसमें होता है कि नॉर्मली अगर तुम किसी भी एनिमी को फिनिशर देते हो तो तुम्हारी फिनिशर के बाद तुरंत टैक्टिकल एबिलिटीज इनेबल हो जाती है। नाउ टैक्टिकल एडवांटेज वाली पर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम किसी एक लेजेंड्स को खेलते हो और उसकी एबिलिटीज टैक्टिकल एबिलिटी तुम बहुत ज़्यादा यूज करते हो और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, तो तुम्हें ये पर्क चूज कर सकते हो। बट इसके अलावा मैं तुम्हें अदर कुछ पर्क्स बताऊँगा जिसे तुम रैंक मैचेज में स्पेशली यूज कर सकते हो अपनी रैंक को इंक्रीज करने में। वैसे मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि ब्लड हाउंड, कॉस्टिक और ऑक्टेन, ये तीन लेजेंड्स ऐसे हैं जिसकी पर्क यूज करने के बाद बहुत ज़्यादा ओवर पावर बन जाते हैं तुम्हारे रैंक मैचेस के लिए। और मेरे हिसाब से अगर कोई एक लेजेंड जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा इस पर्क वाले सिस्टम से रैंक मैचेज में, वो है ब्लड हाउंड। क्योंकि अगर इसकी पहली पर्क की बात करें तो इसके अंदर तुम्हें मिलती है हंगर, हंटिंग इंस्टिंक्ट, मेमोरीज ऑफ द लैंड। तो इसमें जो हंगर वाली पर्क है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें इसे इनेबल करना चाहिए अगर तुम ब्लड हाउंड से खेलते हो रैंक में। क्योंकि नॉर्मली अगर तुम इससे किसी भी एनिमीज को नॉक करते हो तो तुम्हारी टैक्टिकल एबिलिटी रीसेट हो जाती है, यानी कि तुम्हें तुरंत उसे इनेबल कर सकते हो, तुम्हें फिनिशर देने की जरूरत नहीं है बाकी जैसे कि पर्क में यूज होती है। और इसके सेकेंड पर्क में तुम्हें मिलती है बैटल अडेप्टेशन, डेडली मोमेंटम एंड इंटरोगेशन। तो यहाँ पे मैं डेडली मोमेंटम को तुमको सजेस्ट करूँगा कि तुम्हें इसे यूज करना, क्योंकि अगर तुम किसी भी एनिमी को फिनिशर देते हो तुम्हारी अल्टीमेट 30% से कूल डाउन कम हो जाती है। नाउ हम लोग सब जानते हैं कि ब्लड हाउंड की अल्टीमेट एबिलिटी कितनी ज़्यादा पावरफुल है अगर तुम इसे यूज करते हो। तो इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो उसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि अनएंडिंग ब्लडलस्ट यूज़ करो, जिसे अगर तुम अल्टीमेट एबिलिटी को यूज करते हो किसी एनिमीज को किल करते हो तो तुम्हारी अल्टीमेट एबिलिटी की ड्यूरेशन बढ़ जाती है। तो बस इसे तुम समझ सकते हो कि जो भी तीनों पर्क है वो आपस में बिल्कुल रिलेटेड है। तो अगर तुम यूज करते हो डेडली मोमेंटम, जिसे तुम्हारी अल्टीमेट एबिलिटी बहुत जल्दी रिचार्ज होती है, और दूसरी पर्क थर्ड पर्क में तुम यूज करते हो अनएंडिंग ब्लडलस्ट, जिसमें तुम जब भी अल्टीमेट यूज करके किसी एनिमी को किल करते हो तो तुम्हारी अल्टीमेट एबिलिटी की ड्यूरेशन बढ़ जाती है, तो तुम बहुत लंबे टाइम तक अल्टीमेट एबिलिटी में रह सकते हो। इसे तुम लगातार स्कैन कर सकते हो एनिमीज को, और तुम्हें मालूम है कि थर्ड पार्टी भी होती है तो तुम्हें पता रहेगा कि कहाँ कहाँ से एनिमीज आ रही हैं, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है तुम्हें तो और तुम्हारे टीममेट को। अब आते हैं सेकंड लेजेंड पे, जो कि गिब्राल्टर। तो गिब्राल्टर का अगर तुम यूज कर सकते हो इसके, तो इसके फर्स्ट पर्क में मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम इसे यूज करो सारस प्रोटोकॉल। यह पर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम नॉर्मली अगर रैंक मैच में खेलते होगे तो तुम्हें मालूम है कि कितने ज़्यादा स्नाइपर्स होते हैं। तो अगर तुम स्नाइपिंग भी करते हो तो अगर किसी दूर जगह से तुम एनिमी को शूट कर रहे हो और कोई तुम्हें दूर से स्नाइपिंग कर देता है तो तुम नॉक हो जाते हो, तो उसके बाद भी तुम अपने डोम ऑफ शील्ड को यूज कर सकते हो, जिसे तुम्हें तुम्हारे टीममेट में आके रिवाइव कर सकते हो और एनिमी तुम्हें किल नहीं कर पाएगा। दूसरी पर्क की बात करें तो यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो पैरासाइट। इसमें होता है कि अगर तुम फिनिशर देते हो एनिमीज को तो तुम्हारे फिनिशर के साथ आर्मर तो रिस्टोर होती है, उसके साथ तुम्हारी कुछ हेल्थ भी रिस्टोर हो जाती है। नाउ अब थर्ड पर्क की बात करें तो यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो बर्न प्रूफ पर्क को। ये पर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम रिंग के बाहर भी खेलते हो, तो तुम अपने डोम को यूज कर सकते हो एज अ हीट शील्ड, और प्लस में तुम ऐसे डोमो प्रोटेक्शन भी यूज कर सकते हो। तो समझ लो कि अगर तुम लास्ट रिंग में हो, फाइट कर रहे हो, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। नाउ थर्ड लेजेंड है लाइफलाइन। तो अगर तुम लाइफलाइन से खेलते हो तो तुम्हें फर्स्ट पार्ट में यूज करना होगा रिकवरी रूम, जो तुम्हें रैंक में काफ़ी हेल्प करेगी अगर तुम अपने टीममेट को रिवाइव करते हो और एक शील्ड बनता है जो
तो शील्ड रिवाइव होने के बाद इमीडिएटली हट जाता है, तो इनमें अगर शूट करते हैं तुम्हारा टीममेट दोबारा से नॉक हो जाता है। लेकिन अगर तुम इसको यूज़ करोगे तुम्हारा शील्ड कुछ देर के लिए रहेगा और उसको तुम एज अ कवर भी यूज कर सकते हो। फिर सेकेंड पार्ट में तुम यूज कर सकते हो विक्टर्स स्पॉइल्स। ये नॉर्मली अगर तुम किसी भी फिनिशर देते हो एनिमीज को तो तुम्हारे किसी एक गन में बेटर होपअप्स आ जाते हैं। इसका मतलब अगर तुम प्रॉलर यूज कर रहे हो और तुम्हारे पास सिलेक्ट फायर नहीं है, या फिर हैवोक यूज कर रहे हो और तुम्हारे पास टर्बोचार्जर नहीं है, और तुम अपने नॉक्ड एनिमी को फिनिशर देते हो तो तुम्हें उस गन के होपअप्स मिल जाती है। फिर थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर तुम यूज कर सकते हो सरप्लस सप्लाई। नॉर्मली अगर तुम अपने केयर पैकेज में या फिर लूट बॉक्सेस को लूटते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा सप्लाई मिलती है, तो नॉर्मली सिरिंज या फिर शील्ड सेल्स मिलती है। नॉर्मली अगर तुम सर्च करते हो तुम्हें नहीं मिल रही है कहीं पे, तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा लूट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। नाउ पाथफाइंडर मेंस वालों के लिए सबसे बेस्ट पर्क है ट्रेल ब्लेजिंग। नॉर्मली इसे जब भी तुम सर्वे बीकन यूज करते हो तो तुम्हारी अल्टीमेट एबिलिटी की रेंज इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जिपलाइन की रेंज तुम्हारी इंक्रीज हो जाती है। और नॉर्मली तुम किसी भी मैप में एक या दो बार से ज़्यादा सर्वे बीकन स्कैन नहीं कर पाते हो नॉर्मली। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्क है बाकी नीचे दो पर्क के मुकाबले। फिर सेकेंड पर्क में तुम यूज कर सकते हो इंडिया एलिगेटर, या फिर तुम बैटल अडेप्टेशन यूज कर सकते हो अगर तुम्हें शील्ड जल्दी इवॉल्व करनी है। फिर थर्ड पर्क में तुम यूज कर सकते हो फ्रेंड्स रीयूनियन। नॉर्मली अगर किसी फाइट में बहुत सारी स्क्वाड आ गई है, तुम्हारा टीममेट नॉक्ड है बीच में, तुम वहाँ पे जाना नहीं चाहते हो, तो तुम उसे ग्रैपल करके अपनी तरफ खींच सकते हो और वहाँ पे तुम रिवाइव कर सकते हो। नाउ फॉर रेथ फ्लेयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा रश करते हैं और अकेले सोलो पुश करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए अगर तुम एज अ टीम प्लेयर खेलना चाहोगे या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास सेल्फ रिवाइव है, तुम इस यूज कर सकते हो फर्स्ट पार्ट में एस्केप वॉइड। इसे यूज करने के बाद जब भी तुम नॉक्ड होते हो तो तुम अपने फेज को यूज कर सकते हो और तुम कहीं दूसरे लोकेशन पे भाग सकते हो और वहाँ पे तुम सेल्फ रिवाइव या फिर तुम अपने टीममेट का वेट कर सकते हो उसको रिवाइव करने के लिए। और सेकंड पार्ट में तुम यूज कर सकते हो मैक्स सब्सक्रिप्शन। तो नॉर्मली यही अगर तुम फिनिशर दे दो तुम्हारी एमओ की तुम्हारी गन की एमओ रिलोड हो जाएगी और तुम्हारी रिलोडिंग स्पीड 8 सेकंड के लिए इंक्रीज हो जाती है। और थर्ड सबसे लास्ट जो है पर्क, उसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि डिसिपेट यूज करो। और नॉर्मली सारे रेथ प्लेयर्स करते हैं इसे, क्योंकि इसे यूज करने के बाद तुम्हारे 50% पे ही तुम्हारी पोर्टल अवेलेबल हो जाती है, लेकिन उसकी यू नो लेंथ कम होती है। बट ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल अगर तुम किसी एक जगह से दूसरी जगह एस्केप करना चाहते हो या फिर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में अगर एक टनल बनाना चाहते हो फॉर स्क्वाड को रश करने या फिर किल करने के लिए। नाउ फॉर बेंगलोर मेंस, जैसे कि मैं भी बेंगलोर से बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, तो उसकी पर्क में मैं यूज करता हूँ फॉग ऑफ वार। ये पर्क बेस्ट है अगर तुम बेंगलोर मेंस हो। नॉर्मली अगर तो अभी तुम स्मोक करते हो तो तुम्हें स्मोक के अंदर तुम्हें बस एम डाउन करना है, यानी कि स्कोप इन करना है, उसके बाद तुम्हें एनिमीज उसके हाथ ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगे तुम्हें स्मोक में और तुम इजीली उसे शूट कर सकते हो। उसके साथ आता है सेकंड पार्ट में विक्टर्स स्पॉइल्स। जब भी तुम फिनिशर देते हो एनिमीज को तो तुम्हारे पास एक बेटर होप अप आ जाती है। और तीसरे पार्क में तुम यूज कर सकते हो ग्रिड आयरन हेज। नॉर्मली अगर तुम बेंगलोर के टैक्टिकल को शूट करते हो तो उसके गैस कैनिस्टर से 3 प्लेट निकलते हैं, बट इसे यूज करने के बाद तुम्हें 4 प्लेट्स निकलते हैं। और इससे होता है कि नॉर्मली तुम्हारा गैस का एरिया ज़्यादा हो जाता है, तुम्हें ज़्यादा स्मोक बैटल फील्ड पर क्रिएट कर सकते हो। अगर इसे तुम कंबाइन करते हो फॉग ऑफ वार से तो समझ लो कितना कैओटिक हो सकता है ये। तो मिराज मेंस के लिए सबसे बेस्ट पार्क है, तो पार्क नंबर 1 में एट विट्स एंड। इसे यूज करने के बाद अगर तुम किसी अपने टीममेट को रिवाइव करते हो तुम और तुम्हारे टीममेट इनविजिबल हो जाते हैं, यानी कि तुम्हें एक लॉक एक हो जाएगा, तुम्हें ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाओगे, पूरी तरह से इनविजिबल नहीं होती, कुछ लाइफ दिखती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अगर तुम किसी एक इंटेंस फाइट में हो और वहाँ पे एनिमीज को उतना ध्यान नहीं रहता कि वो क्लियरली देख सके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी तुम्हें। और सेकेंड पार्ट में तुम यूज कर सकते हो एयर टाइट LIB। उसे यूज करने के बाद अगर तुम जब भी फिनिशर देते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक तुम्हारा एक डिकॉय आ जाएगा और तुम 2 सेकंड के लिए इनविजिबल हो जाओगे ऑलमोस्ट। तो ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है अगर तुम्हें फिनिशर दे रहे हो और उसका टीममेट तुम्हें पुश करना चाहता है। फिर लास्ट पार्ट में तुम यूज कर सकते हो बम्बूजल क्लॉक। इसे यूज करने के बाद जब भी तुम्हारा एक डिकॉय को शूट करता है कोई एनिमी तो तुम 2 सेकंड के लिए इनविजिबल हो जाते हो, और तुम इनविजिबल होने के दौरान शूट नहीं कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो तुम्हें एनिमी को पुश करने से पहले उसे अपने एक डिकॉय को सेंड करो, और जब भी एनिमी तुम्हारे डिकॉय को शूट करेगा तो तुम इनविजिबल हो जाओगे और तुम इस दौरान वहाँ पे तुम पुश कर सकते हो। नाउ ऑक्टेन
ऑक्टेन सेकेंड लेजेंड जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज ले सकता है रैंक मैच में, अगर इसे पर्क इनेबल कर सकता है तो ऑक्टेन की फर्स्ट पर्क में तुम यूज़ कर सकते हो कोर्सिंग एड्रेनलिन। तो नॉर्मली जब भी तुम अपनी स्टीम यूज करते हो तो तुम्हारी रिलोडिंग स्पीड 10 सेकेंड के लिए 10% इंक्रीज हो जाती है। तुम अगर SMG यूज करते हो तो समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा यूजफुल होती है। अगर तुम नॉर्मली रश करते हो किसी स्क्वाड को, सेकेंड पार्ट में तुम यूज कर सकते हो मैक सब्सक्रिप्शन। जब भी तुम फिनिशर देते हो तुम्हारी गन्स की एमओ रिलोड हो जाती है और 8 सेकेंड के लिए तुम फास्ट रिलोड कर सकते हो। तो तुम्हें स्टीम यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम रिलोडिंग स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हो तो। फिर थर्ड पर्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रनिंग ऑन एयर। तो ये पर्क नॉर्मली तुम्हें 3 जंप्स दिलवाती है जंप पैड को यूज करने के बाद। तो ये तुम्हें मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, किसी एक लोकेशन पे दूसरे लोकेशन पे जल्दी जाने में या फिर कोई हाई ग्राउंड में पहुँचने में जो नॉर्मली कोई एक लेजेंड्स नहीं जा सकता जंप पैड को यूज करके। जैसा मैंने पहले भी वीडियो बोला था कि ब्लडहाउंड, ऑक्टेन और कोस्टिक, ये 3 लेजेंड्स ऐसे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होते हैं अपने पर्क को यूज करने के बाद रैंक मैसेज में स्पेशली। तो अगर तुम कोस्टिक को यूज करते हो तो तुम्हें सबसे पहले फर्स्ट पर्क में यूज करनी है टॉक्सिन डिटेक्टर। तो नॉर्मली अगर तुम्हारे गैस ट्रैप के अंदर तुम्हारा कोई एनमी आ जाता है तो तुम्हें गैस के अंदर उसे हिट करने के बाद उसे तुम एक तरह से हाईलाइटेड हो जाता है, तुम्हें उसे इजीली देख सकते हो। और नॉर्मली गैस स्मोक के अंदर तुम्हें एनिमीज को उतना क्लियर नहीं दिखता है, तो तुम्हें इसे हेल्प ज़्यादा मिलती है अगर तुम किसी एक क्लोज्ड बिल्डिंग में अगर तुम फाइट कर रहे हो और तुम्हें बहुत सारी स्क्वाड पुश कर रही है। और सेकंड पार्ट में बात करते तो यहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो डेडली मोमेंटम। तो यू नो कि कोस्टिक की अल्टीमेट एबिलिटी का कितना ज़्यादा यूज होता है लास्ट रिंग में, और नॉर्मली अगर तुम्हें बहुत सारी स्क्वाड पुश कर रही है अगर तुम सोलो भी हो तो नॉर्मली इसे यूज करने के बाद तुम्हारी अल्टीमेट एबिलिटी 30% रिड्यूस होता है कूलडाउन, यानी कि 30% कम टाइम लगेगा तुम्हें रिचार्ज होने में अल्टीमेट। और फिर थर्ड पार्क में यूज कर सकते हो तुम एयरबोर्न कॉन्टामिनेंट। ये पार्क बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे यूज करने के बाद तुम अपने गैस ट्रैप को बहुत दूर तक फेंक सकते हो। तो नॉर्मली अगर तुम्हारा पैन में अगर दूसरे भी पुश कर रहा है तो तुम एडवांस में आगे में तुम वहाँ पे गैस ट्रैप फेंक सकते हो, ताकि अगर किसी लोकेशन पे अगर तुम जा रहे हो तो वहाँ पे पहले से गैस ट्रैप रहे। अगर तुम्हें दूसरे भी एनिमीज दिख रहे हैं तो तुम फाइट लेते समय लॉन्ग रेंज फाइट में भी तुम अपने गैस ट्रैप को फेंक सकते हो। नाउ फेड एक ऐसा लेजेंड है जो कि एक्सक्लूसिव लॉन्च हुआ था मोबाइल के लिए एपिक लेजेंड मोबाइल के अंदर, और इसके साथ ही पर्क वाले सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी। तो अगर तुम फेड से खेलते हो तो तुम्हें फर्स्ट पर्क में यूज़ कर सकते हो लिंगरिंग शैडो या फिर पनिशर्स रिमोर्स। तो अगर तुम नॉक होते हो तो तुम पनिशर्स रिमोर्स यूज करके तुम फ्लैशबैक पीछे जा सकते हो, या फिर तुम लिंगरिंग शैडो यूज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि लिंगरिंग शैडो यूज करके तुम एज ए टीम प्लेयर हो, क्योंकि अगर जब भी तुम अपने पासिव एबिलिटी को यूज करते हो यानी कि जब भी तुम स्लाइड करते हो तुम्हारी एक आफ्टर इमेज बनती है डिकॉय जैसी, और जब भी तुम्हारा टीममेट उसे जब टच करता है तो वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो अगर तुम कहीं स्केप कर रहे हो या फिर रश कर रहे हो तो तुम्हारा टीममेट तुम्हारे साथ कैचअप कर सकता है इजली। तो सेकेंड पार्ट में तुम यूज कर सकते हो मैक सब्सक्रिप्शन नॉर्मली। तो ये तुम्हें हेल्प करते हैं अगर तुम फिनिशर देते हो तो तुम्हारी एमओ रिलोड होती है, जैसे कि तुम बाकी लेजेंड्स में भी ये देखे होगे पर्क। नाउ थर्ड पर्क में तुम्हें यूज कर सकते हो पैक ड्रॉप सूट। इसे नॉर्मली अगर तुम्हारा शील्ड अगर टूट जाता है तो अपने तुम टैक्टिकल एबिलिटी को फ्लैशबैक करके तो अपने शील्ड को सर्टेन लेवल तक तुम उसे रिस्टोर कर सकते हो, जो कि तुम्हें फाइट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अगर तुम 1v1 फाइट कर रहे हो तो। नाउ लोबा की अगर बात करें तो लोबा की एबिलिटीज़ का सिर्फ मेनली बस यही काम होता है कि वो बस उसे लूटना है या फिर उसे एस्केप करना है। लेकिन अगर तुम इसकी फर्स्ट पर्क को यूज करते हो जो कि बल्गलर्स इंट्यूशन, इसे यूज करने के बाद अगर तुम्हारे पासिव वाले एबिलिटीज़ के रेडियस में अगर कोई भी एक एनिमीज कोई एक गोल्ड लूट या फिर पर्पल या फिर रेड आइटम्स लूट करता है तो तुम्हें वो एनिमीज मार्क हो जाते हैं। तो तुम एज समझ सकते हो कि एज ए रिकॉन लेजेंड भी एक काम करती है अगर तुम इसे इस पर्क के साथ यूज करते हो तो। नाउ सेकेंड पर्क में तुम बैटल अडेप्टेशन यूज कर सकते हो। मैं बाकी के दो पर्क्स को यूज नहीं करूँगा सजेस्ट करूँगा क्योंकि यू नो लोबा का अल्टीमेट बहुत ज़्यादा फास्ट रिचार्ज होता है तो तुम्हें लूट करने की लूट की कमी नहीं होती है नॉर्मली। तो आई थिंक अपने शील्ड को इवॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और तुम्हारे स्क्वाडमेट को ये ज़्यादा हेल्प करती है अगर तुम्हारा शील्ड इवॉल्व होता है तो। नाउ थर्ड पार्ट तुम यूज कर सकते हो अगर तुम एक टीम प्लेयर हो तो तुम इलीगल ट्रेड यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम अपने डेड टीममेट के
बैनर को ले सकते हो अगर वहाँ पे स्क्वाड में, अगर वहाँ पे एनिमीज अभी भी गार्ड कर रहा है या फिर बहुत सारे एनिमीज वहाँ पे फाइट कर रहा है और तुम वहाँ पे जाना नहीं चाहते हो, या फिर तुम यूज़ कर सकते हो क्विक गेटवे जो कि मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है लोबा के साथ। नॉर्मली इसे यूज करने के बाद तुम अपने ब्रेसलेट को जल्दी ज़्यादा जल्दी फेंक सकते हो और बहुत जल्दी टेलीपोर्ट हो सकते हो। नाउ द लास्ट लेजेंड जो कि रैप्सडी, और इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये अभी सीजन 2 चल रहा है और इसके अंदर अभी लेटेस्ट ब्रांड न्यू जो लेजेंड है मोबाइल एक्सक्लूसिव वो है रैप्सडी। तो अगर बहुत सारे अभी भी प्लेयर्स ऐसे जो इस लेजेंड को अभी तक अनलॉक नहीं किए हैं, तो अगर तुम इसे अनलॉक कर चुके हो तो मैं तुम्हें इसे कुछ ऐसे पर्क बताऊंगा जो तुम्हें ज़्यादा हेल्प करती है रैंक मैचेस में। तो सबसे पहले पर्क में तुम यूज कर सकते हो ट्यून्ड इन, तो जब भी तुम कंटिन्यूस रनिंग करते हो तो तुम्हारी यू नो पॉसिबिलिटी जो कि गिफ्टेड ईयर जिसे तुम आसपास के एनिमीज की फुटप्रिंट्स को विजुलाइज इजीली देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, या फिर तुम्हें पता लगता है कि आसपास एनिमी है तो तुम उसे ज़्यादा रेडियस इंक्रीज कर सकते हो इसे यूज करने के बाद। फिर सेकेंड पक में तुम यूज कर सकते हो इंटेरोगेटर या फिर बैटल एडवर्टेशन। इंटेरोगेटर यूजफुल है अगर तुम्हारे स्क्वाडमेट में, अगर तुम्हारे टीम में अगर कोई रिकॉन लेजर नहीं है तो तुम अगर तुम किसी भी एनिमी को फिनिश करते हो तो तुम्हें मिनी मैप में तुम्हें आसपास उसके टीममेट के लोकेशन दिख जाते हैं। नाउ थर्ड पर्क में वहाँ तुम यूज कर सकते हो राउडीज रिदम। तो नॉर्मली अगर तुम अपने अल्टीमेट एबिलिटी को यूज करोगे तो उसके बाद तुम्हारे स्क्वाडमेट जो कि आसपास होंगे उस रेंज के अंदर उनकी गन की रिलोड्स फास्ट हो जाएगी एक सर्टेन टाइम के लिए। तो अगर तुम दूर से स्नाइपिंग भी करते हो तो अगर तुम्हारा टीममेट करता है तो समझ लो कि कितना ज़्यादा यूजफुल होता है, वो फास्टली अपने स्नाइपर को रिलोड कर सकता है। और अगर तुम एज नो एक्टिव प्लेयर हो जो बहुत ज़्यादा रस करता है या फिर वो एक्टिव ज़्यादा खेलता है तो तुम यूज़ कर सकते हो हारमनी से। यूज़ करने के बाद नॉर्मली अगर तुम अपने टैक्टिकल एबिलिटी को यूज़ करते हो उसके बाद तुम हीलिंग आइटम्स को ज़्यादा फास्टली यूज़ कर सकते हो, यानी कि तुम सिरिंज शील्ड शील्ड वगैरह बहुत ज़्यादा जल्दी यूज़ कर सकते हो। और साथ ही तुम्हारी टीममेट की रिवाइविंग यू नो अगर तुम्हारा टीममेट नॉक्ड है तुम उसे जल्दी रिवाइव कर सकते हो। नाउ ये थी सारी पर्क्स जो कि तुम अपने लेजेंड के साथ यूज कर सकते हो रैंक मैचेस के लिए, और इसे यूज करने के बाद तुम अपने लेजेंड्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो आई थिंक ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर देना और कमेंट करना अगर तुम्हें कुछ डाउट है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ लाते रहता हूँ। अगर तुम कोई रिक्वेस्ट करते हो किसी एक टॉपिक पर तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा तुरंत। तो आई थिंक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।